तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से आवाज आ चुका मेरे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टोटल गेमिंग के बारे में। यस, कि कैसे टोटल गेमिंग हर एक टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त ऐसा करते हुए शुरू करेंगे आज के वीडियो, और उससे पहले आप लोग जरूर से लाइक कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 8,000 सब्सक्राइबर के। मैंने कहा था कि जनवरी खत्म होने से पहले हमें 7,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 2022 के शुरुआती वक्त में टोटल गेमिंग ने वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप जीता, जो अपने में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। आप कह सकते हो कि पिछले साल जो FFIC का प्राइस पूल था, एकदम उसके सिमिलर एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट हमें देखने को मिला, जहां पे उन्होंने 35,00,000 रुपए जीता। उसके बाद आता है ई-स्पोर्ट दी इनविटेशनल सीरीज, जहां पे उन्होंने फिर से जीत हासिल किया, वो भी एक 5,00,000 का टूर्नामेंट था। अभी चल रहा है स्काई ई-स्पोर्ट्स इनविटेशनल, वहां पे भी वो बहुत अच्छा खेल रहे, टेबल टॉप कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि वहां पे भी वो बहुत आराम से जीत सकते हैं। फ्री फायर प्रो लीग विंटर, उसके भी ग्रैंड फाइनल्स में वो बड़े आराम से क्वालिफाई कर चुके हैं। जहां पहले दो हफ्ते में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो टॉप 12 में नहीं थे, वो बॉटम में चल रहे थे। सब लोग सोच रहे थे क्या टीम क्वालिफाई करेगी कि नहीं, बट हम लोगों को उतना भरोसा था जिस तरीके का उनका मोमेंटम चल रहा था, आसपास के टूर्नामेंट जहां परफॉर्म कर रहे थे, तो बड़े आराम से वो क्वालिफाई कर सकते थे। इस हफ्ते उन्होंने बहुत शानदार खेला, आखिरी हफ्ते में 2 दिन में उन्होंने बहुत मजेदार गेम प्ले दिखाए हैं। ड्रेगो का तो हमें पता ही है क्या कर रहा है वो आजकल, तो उस वजह से उस बलबूते पे वो 5th पोजीशन पे आ गए हैं, एंड उनको भी एक हेड स्टार्ट पॉइंट मिल चुका है। अब उनको कैपिटलाइज करना है ग्रैंड फाइनल। अब देखो सीधी बात कि प्रो लीग के शुरू होने से पहले जब रोहित और ड्रेगो साइन हुए टोपी गेमिंग में, तब बहुत सारे चीजें दिमाग में चल रही थी कि मेन लाइनअप क्या होगा। हाँ, हालांकि WEC के टाइम पे ड्रेगो डुप्लीके वन में था, और हमारे प्रो लीग के टाइम पर रोहित नहीं खेल पा रहा है क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजन से जो अभी तक रिवील आउट नहीं हुए हैं टोटल गेमिंग के द्वारा या फिर रोहित के द्वारा। सो रोहित नहीं खेल रहे, तो अभी भी उनकी टीम के पास काफी सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कह सकते कि ऑप्शन नहीं है। टोटल अगर देखा जाए ऑल इन ऑल हर टूर्नामेंट में उनके पास 6 प्लेयर्स का लाइनअप है जो आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट कौन सी लाइनअप हर जगह आपको रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहा है, वो है माफिया, डिलीट, फौजी अजय, ड्रेगो। ये 4 प्लेयर्स जहां पे आपको हर जगह पे ये 4 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको गारंटी देके इतना कह सकता हूं कि ये ही 4 प्लेयर्स आपको हर जगह पे आपको अगले 2-3 महीने में जितने भी टूर्नामेंट होने वाले हैं यही लाइनअप खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप पूछोगे कि और भाई इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो वो बहुत सिंपल सा रीजन है, 3 यंग प्लेयर्स और एक बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी फौजी अजय नाम। अब 3 यंग प्लेयर्स कौन है, उसमें से रोहित भी हो सकता है, उसमें से माफिया भी हो सकता है, उसमें से डिलीट भी हो सकता है, उसमें ड्रेगो हो सकता है। तो अब माफिया, डिलीट और ड्रेगो क्यों? ड्रेगो क्यों? क्योंकि ड्रेगो ग्रेनेडियर है, और हमें पता है कि वो ग्रेनेड से क्या कर सकता है, और उसके बारे में आपको अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं है। अभी अभी जस्ट उसने एक ओरैंगोटैंग इलीट की पूरी टीम को ग्रेनेड उड़ा दिया था, और सिर्फ ओजी इलीट नहीं, ऐसे काफी जगह पे उसने ऐसी चीजें करके दिखाया। कभी केमिन को उड़ा देता है, तो कभी डीजी उड़ जाती है, तो कभी गॉडलाइक उड़ जाता है। तो हर एक टीम को आई थिंक वो एक बार अपना ग्रेनेड का जो बारूद है सुंघा चुका है। एंड अब आता है बात माफिया डिलीट क्यों रोहित के जगह पे। अब माफिया डिलीट एक 2 ऐसे टीम प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले साल टोटल गेमिंग के प्लेयर्स के साथ फौजी एंड माफिया बाला के साथ खेला है और एक्सपीरियंस गेन किया है, तो इसीलिए माफिया बाला और डिलीट रोहित से पहले प्रायोरिटाइज किए जाएंगे। अब जब फौजी अजय नहीं थे तो शायद से तब माफिया बाला हो सकते या फिर रोहित आ सकते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, बट मोस्टली आपको यही 4 प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिलेंगे। देखो आज के डेट में आपको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक ग्रेनेडियर चाहिए, एक प्रॉपर IGL चाहिए जो आपको जोन में अच्छे एंट्रीज ला सके, एक अच्छा असॉल्टर चाहिए जो आपको एंट्री में जब दिला रहा है आपका IGL आपको रश करना आना चाहिए, वो एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको ब्रेक थ्रू ला सके, एंड एक ऐसा प्लेयर जो गाड़ी चला सके निशा के साथ, आपको यू नो चकमा दे सके, प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अगर देखो टोटल गेमिंग के पास है। ड्रेगो जो आपको सब लोगों को पता है कितना बड़ा वो एक ग्रेनेडियर बनता जा रहा है, बीच में कमिंग वन ऑफ दोस गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो सब लोग यू नो कह रहे हैं कुछ सुपारी के लड़के बोले थे, वो तो मजाक मजाक की बात है। अब जो एक असॉल्टर के रूप में आपको चाहिए वो आपको डिलीट प्रोवाइड कर रहा है। हां, डिलीट शायद आपको घुस के मारने वाला बंदा नहीं दिखेगा, वो ना एक ऐसा प्लेयर है जो वेट करता है, अपने टीममेट को सपोर्ट करता है, एंड ये एक बहुत जरूरी चीज है। वो जो कोऑर्डिनेशन इन तीनों ने बिठाया, इन 3 यंग गन्स हैं, उनको कौन संभाल रहा है, फौजी भाई जैसे मैच्योर दिमाग। यहां पे बहुत लोग मेरे साथ अग्री करेंगे फौजी भाई का फायर पावर शायद कम्युनिटी में बहुत टीमों से या फिर बहुत प्लेयरों से शायद मैच नहीं करता है, बट उनके पास जितना एक्सपीरियंस है ना, उनके पास जो दिमाग है ना, शायद ही कम्युनिटी इसके साथ मैच करता है, जिस वजह से आपको दिख रहा होगा कि हर टूर्नामेंट में कुछ चाहे जो भी हो जाए टोटल गेमिंग सेंटर में। टोटल गेमिंग कहाँ है? नहीं यार देखो सेंटर जोन के अंदर कहीं पे होंगे,
जोन देखो, पीजी वहीं पे मौजूद है। कोई भी फाइट में सबसे पहला ओपनिंग आपको ड्रेगो निकालता हुआ देखने को मिल रहा है। हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है उनका, इसी वजह से ये टीम इतना ज्यादा सक्सेसफुली रन कर रही है। जो टोनी गेमिंग के वीकनेसेस थे ना पिछले साल 2021 में जो निकल कर रहे थे, ग्रेनेडियन नहीं था, रोटेशन सही से नहीं हो रहा, सब पे रिवर्क हुआ है, सब पे बहुत मेहनत किया गया है, जिस वजह से टोनी गेमिंग की टीम टोनी गेमिंग बनी है। अब बहुत लोग कह रहे हैं यार टोनी गेमिंग 30 मिलियन है, नाम इतना है, व्यूज आएंगे। हाँ, व्यूज सबको चाहिए, नाम है, इसीलिए शायद उनपे इतने आंखें बने हैं लोगों की, बट परफॉर्मेंस वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। वो प्लेयर्स का क्वालिटी है, वो प्लेयर्स बने हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सो रिस्पेक्ट करो वो चीज को। एंड आई थिंक ये मेरे तरफ से जो एनालिसिस में पुट अप करना चाहता था कि क्यों टोटल गेमिंग की टीम रीसेंट टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, ये एक सिंपल मंत्र है जो टोटल गेमिंग की टीम फॉलो करे। एंड आई थिंक कोई भी अंडरडॉग या अंडर 18 टीम ये अगर फॉलो करे तो शायद वो भी बहुत आसानी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये मत सोचो कि वो टोनो गेमिंग है, ये सोचो कि फौजी भाई क्या क्वालिटी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छी चीजें लो उससे, अच्छी चीजें वो लेना सीखो, पॉजिटिव चीजें लोगे तो आप हमेशा करियर में आगे बढ़ते जाओगे एंड ग्रो करोगे। सो दैट्स इट गाइस, आप लोग आई होप कि वीडियो बहुत देख के मजा आया होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ये था रीजन, ये है रीजन बेसिकली क्यों टोटल गेमिंग इतने सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रो लीग आ रहा है, ग्रैंड फाइनल्स है, बहुत कुछ आशंकाएं दिमाग में चल रही होंगी, उनके ऊपर ही वीडियोस बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मैंने कहा हम लोग बहुत जल्दी 10,000 ऑल गेमिंग की फैमिली पूरे करने वाले हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले वो काम पूरा कीजिए। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।